हेलो फ्रेंड्स, मेरा दोस्त आज आए हुए हैं हम लोग वीकेंड का, वीकडेज का पूरा सामान लेने ग्रोसरी स्टोर। तो सोचा आप लोगों को पूरा एक टूर कराएं सुपरमार्केट का, यहाँ पर कितना ग्रोसरी का है, कितना प्राइजेज हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक ओवर भी आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि आपका कितना आपका खर्चा एक बजट मंथली हो सकता है यहाँ पर। तो चलो फिर आज आप फिर से ज्वाइन किए हम जो पूरा। अस्सलाम वालेकुम फेलोस, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक। तो आज हम आए हैं मार्केट, जिसे कह लें कि मार्ट, और यहाँ पे हम लेंगे अपना वीक पूरे का सामान, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसके अलावा अंडे वगैरह, चिकन। तो हम आपको बताएंगे क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी, क्या सस्ती है, क्या महंगी है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और प्राइस भी बताएंगे। और ये मतलब एक सुपर मार्केट टाइप है, तो चीज़ें ज़्यादा मिल जाएंगी बल्क में हमें, बल्क में मतलब मंथ में नहीं लेकिन वीकली अपना निकल जाएगा। तो टाइम और वीकली डिस्काउंट भी लगता है यहाँ पे, 20% 25% आपको वीकली लगता है। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट एवरीथिंग बिकॉज़ वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट। ओके गाइस, लेट्स गो। मेट्रो है, मेट्रो के बगल में ही आपको क्लास मार्केट है, तो आपको चलते हैं लेकर। मास्क मैंडेटरी है, मास्क के बगैर कोई ना है, ठीक है, कोविड तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी किसी भी शॉप जहाँ में जाने के लिए मास्क जरूरी है, आपको चाहिए। बिना मास्क आपको एंट्री नहीं देंगे यहाँ पे अभी। बिना मास्क के मेरा बेटा भूखा रहो पूरा हफ्ता, फिर आप लोग मास्क होगा तो आप खाने पीने का ले सकते हो, वरना खाली पेट रहना पड़ेगा। बाकी ये सब यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट भी है, मार्केट भी है, छोटी छोटी शॉप्स हैं कटिंग वगैरह की, करेंसी एक्सचेंज की और इलेक्ट्रॉनिक्स। गुड प्लेस। अभी तो गर्मी है, समर आपको डिस्काउंट मतलब कि ग्रोसरीज में मैक्सिमम डिस्काउंट मतलब कि अभी चलता है, डिस्काउंट चलता है। मतलब समर यहाँ पे एक इवेंट, एक फेस्टिवल की तरह है, मतलब कि आपको आलू प्याज ये सब तो सस्ता मिलेगा अभी इस टाइम, और एज कम्पेयर टू विंटर। तो ये है, विंटर में कॉस्टली हो जाता है प्याज ये जो भी है, ये सब जो हम लोग वेजिटेबल्स हैं ये सब। चलो फिर एंट्री करते हैं अंदर। सब्जी उब्जी है, ये सब वेजिटेबल्स पड़ी हैं, ये इनका रेट लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है। As you can see, the price of broccoli is 25 grivna. So you, when you convert in rupees, it will be approx 68 rupees. So I will show you the all the goods in this video, and you can calculate by yourself in rupees. कोई भी चीज लेनी है तो जाके आपको दिखाते हैं, वो सामने काउंटर है, वो जिसमें गाजर भी है यहाँ पे ले जाते हैं, बीट, आलू यहाँ पड़ा हुआ है, आलू का भी रेट चल रहा है 15 जो आपको। जो भी चीज़ ली है इस पर क्लिक करके यहाँ नंबर डालेंगे आप तो आ जाएगा, फिर यहाँ से स्लिप निकलेगी, वो उस पर लगा देंगे आप वो चीज़ आपकी परचेज। यहाँ से मतलब कि आप देख सकते हैं कितना मतलब कितना केजी का लेना है आपको, यहाँ पे रिकॉर्डिंग पूरा होता है। बाकी गर्मी के दिनों में ये सब पूरा अवेलेबल है। ये फल उल पड़ा हुआ है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे इसका रेट जितना प्राइस है, ये रेट है और ऊपर कोड है, वो कोड डालेंगे तो स्लिप निकलेगी जैसे पहले बताया आपको। ये देखिए, ये चॉपर है, इसको आपने यहाँ से फाड़ना है, और ये ग्लव पहले पहनना है, फिर आपने कुछ भी लेना है, ठीक है, ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। ये है टमाटर, और टमाटर ही बहुत सारा वराइटीज़ का टमाटर यहाँ पड़ा हुआ है, सबका रेट अलग अलग है यहाँ पे। ये यहाँ पे गर्मी दिनों में इन लोगों का बहुत सारा फूल होता है। ये आम है, और आम यहाँ एक आपको 250 ग्रीवन मिलेगा, मतलब 700 रुपये के जी, तो इंडिया में आम खा लो भाई। ये ज़्यादातर नेक्टर था यहाँ पे, जिस तरह ये एप्पल का नेक्टर हो गया, ये पाइन एप्पल का नेक्टर हो गया,
तो यहाँ पे मतलब कि जो फ्रूट्स फ्लेवर हम के लिए, और वो आगे देखेंगे आप, तो जो टमाटर होता है जिसे हम टमाटर कहते हैं, प्यूरी पड़ी हुई है, ये टमाटर की प्यूरी और ये बाकी सब सॉसेज हैं। और आगे जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको हर चीज़ प्रिजर्व मिलेगी। अचार है क्या? नहीं अचार नहीं है, मतलब कह सकते हैं, लेकिन ये सब्जियाँ वगैरह हमें क्योंकि यहाँ पर आपको प्रिजर्व टमाटर भी मिल जाए, मटर भी मिल जाएंगे ये अभी जाएंगे तो आप, ये राजमा उजमा है, ये सब प्रिजर्व है। यहाँ पर छलियाँ पड़ी हुई प्रिजर्व है जिसे कौन कहते हैं अपनी लैंग्वेज। सारा वराइटीज का अवेलेबल है यहाँ पे, जो भी लेना है यहाँ पे। वो आगे ऑयल्स पड़े, ये रिकमेंडेड है, ये आप ले सकते हैं, अच्छा ऑयल है, अच्छा कुकिंग ऑयल, ठीक है। इसमें बड़ी भी पैकिंग मिल जाएगी आपको। इसके अलावा ये जिसे हम कहते हैं उर्दू में अपने हिंदी में जैतून का तेल है, ये एक्स्ट्रा वर्जन पड़ा हुआ उसका, ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं, एक्स्ट्रा लाइट वर्जन भी है, एवरीथिंग इज देयर गाइस, नॉट चेक आउट। आपको यहाँ से भी जितना आपको अमाउंट लेना है वो ले सकते हैं। ये मतलब इतना चावल और की दाल है, ये सब खुले में है, खुले में मिलता है यहाँ पे, ये सब पैकेट्स में है। ये देखिए अपनी दाल जो भी हम खाते हैं, ये दाल पड़ी है, चने की दाल, मसूर की दाल यहाँ पे, चना है, अवेलेबल है सारा कुछ, लगभग अवेलेबल अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, सारा कुछ अवेलेबल है, देसी खाना बना सकते हैं आप। ये जैस्मिन राइस, ये मतलब बासमती चावल है अपने जितने भी यहाँ पड़े हैं, बासमती चावल ये देख लें, लिखा हुआ बासमती राइस, ये नीचे प्राइस लिखे हुए हैं इसके। इंडिया का भी होगा बासमती राइस में? अभी शायद ना, होता पड़ा है, होता है ऐसे, चीनी वगैरह यहीं से मिलेगी। बहुत सारा वराइटीज़ का आपको चावल और सब पड़ा हुआ है यहाँ पे, हर चीज़ बेसन मिलेगा यहाँ से आपको, सूजी मिलेगी, ये देखें बेसन सूजी, ये सूजी पड़ी हुई है, ये सूजी है जी, लेना है सूजी नहीं, ये मिक्स वेज बना है, किसी को अगर ये सब वेज देना है, मिक्स वेज पड़ा हुआ है, रिजर्व होता है ये। पास्ता लवर्स के लिए ये सेक्शन है पूरा आपका, पास्ता मैक्रोनी नूडल्स सब इसमें मिलेगा आपको, ये नूडल्स पड़ी हुई हैं, मैगी तो शायद यहाँ ना मिले हमें, लेकिन ये मैगी है, मतलब कि मैगी टाइप नूडल्स हैं यहाँ पे, अच्छी हैं, सूप है यहाँ पे, और ये स्पाइसेस है, ठीक है। उसमें काली मिर्च मिल जाएगी आपको, और जौन सी भी होता है, धनिया पाउडर, सब स्पाइसेस मिलेंगे, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी सी रेक्शन आनी चाहिए। ये बेसन है, ये बेसन है, जो भी लेने के लिए है, ये बेसन है यहाँ पे, सिर्फ मिलेगा ये बेसन आपको, बाकी हर चीज़ जो अवेलेबल है। ये भी देख सकते हैं सेक्शन, वही है पास्ते का, मैक्रोनी का सेम है, बाकी इधर है पास्ता उस्ता यहाँ पे, और बहुत सारा वैरायटी का पास्ता है, आपको कौन सा लेना है यहाँ पे, यहाँ के लोग ज़्यादा पास्ता भी खाता है, इसलिए बहुत सारा वैरायटी का पास्ता है यहाँ पे। केफीर मतलब थोड़ा सा पतले में रहता है, ये योगर्ट है और ये फ्लेवर योगर्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये भी योगर्ट में ही आता है, ये लेकिन ये भी फ्लेवर है, वैरायटीज ऑफ योगर्ट है यहाँ पे। ये मिल्क सेक्शन है, ये देखिए मिल्क सेक्शन है, दूध दूध यहाँ मिलता है, ये पैकेट का दूध है, ये डब्बा वाला है, ये चॉकलेट वाला मिलता है, और ये चॉकलेट है। पूरा मिल्क प्रोडक्ट है ये पड़ा हुआ, वराइटीज का यहाँ मिल्क प्रोडक्ट है, चीज़ है, बटर है, मायनीज है, आगे मायनीज है, दूसरी सॉस आपको, मायनीज सॉस, अंडे और ये अंडे हैं, पूरा वराइटीज के अंडे जो आपको लेना है, सबका सबका अलग अलग रेट है। ये ले सकते हैं, अच्छा है ये, ज़्यादातर ये चीप एंड बेस्ट ये वाला है। फ्लेवर के लिए
जो मछली वछली बहुत खाते हैं उनके लिए है पूरा ये सेक्शन। सॉसेस पड़े हुए हैं, पास्ता के साथ आप खा सकते हैं, मैगी वैगी, केचप, चिली, टमाटर वाला है, चिली का केचप होता है। ये चिकन सेक्शन है यहाँ पे आपको, ये जो चिकन है ना इसमें देखिए ये लगा था स्टिकर, मांस नहीं थोड़ी चिकन आ रही है, इसका मतलब ये हलाल चिकन है, ठीक है, कोई नासा कंपनी वाला जो भी है ये हलाल में, ये बोनलेस चिकन है, हम ये चिकन लेंगे क्योंकि हम यही खाते हैं। और ये सब पड़ा हुआ है इसमें, इसमें कीमा मिल जाएगा आपको, कीमा भी है, सबका मतलब अलग पार्ट मिलता है, लेग पीस हो गया ये सब अलग मिलते हैं। ये ब्रेड सेक्शन, और हमारे अब्दुल्ला भाई ये भी ब्रेड लेंगे क्योंकि वो जिम कर रहे हैं, ये वाला ब्रेड सही है, ब्राउन ब्रेड, यहाँ पे ये फ्रेशली बेक करते हैं ब्रेड, और यहाँ पे लोगों के लिए कि देखें आप देख सकते हैं कि इनकी अपनी इनबिल्ट बेकरी है, ये लवाश है, मतलब जो स्टूडेंट्स रोटी खाना चाहते हैं वो ये खा सकते हैं, लवाश ये रोटी मतलब इसमें आपको शोरमा वर्मा हो गया, ये लोग पैकिंग करता है ऐसे, रोटी ही है, रोटी रेडीमेड रेडीमेड बनता है, यहीं पर बनता है, यहीं पर आपको पैकिंग होता है, सब कुछ इनकी छोटी सी बेकरी भी है, ये इन्हीं की है सब कुछ। यहाँ पे पूरा स्नैक्स सब चॉकलेट वगैरह अवेलेबल है, यहाँ पे हर चीज़ को दिखाना पर्टिकुलर बहुत टफ काम है, यहाँ पे पूरा चॉकलेट का सेक्शन है ये बस, ये सारा पे पेन उन सब पड़ा हुआ है, पेन हो गया, सीजर उजर, टेप, यहाँ से आप ले सकते हैं। और बाकी ये सेक्शन है पूरा किचन के लिए, शैम्पू कंडीशनर ये सब ज़्यादातर लेडीज़ के हैं यहाँ पे, बाकी जो है इधर है हम लोगों का सबसे सस्ता और टिकाऊ हेड एंड शोल्डर, ये बॉडी वॉश है यहाँ पे, बॉडी वॉश मतलब कि डॉब, यहाँ भी डॉब है, पैंटीन है, और ये भी देख सकते हैं, ये सब लेडीज़ का एरिया है, मतलब उनके लिए मास्क वगैरह और जो भी है, और अपने साबुन वगैरह सॉप वगैरह यहाँ पड़े होंगे, जैसे ये सेफ गार्ड हो गया, हाँ सेफ गार्ड, बाकी जो है ये पूरा लेडीज़ का ये है, और ये शरफ है, ये एक मशीन वाला है और ये हाथ वाला है, तो जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं, यहाँ गला वैरायटीज है, टाइड है मेंस एरिया जो आपको पूरा जिलेट हो गया, इसके अलावा शेविंग क्रीम फॉर्म हो गया, वो डियो सब मेंस डियो पूरा यहाँ पड़ा हुआ है, आपको बहुत सारे वैरायटी का जो भी है, ये सब आपका माउथ, और ये आपका हो गया माउथ क्लीनिंग पेस्ट, सारे वैरायटीज का पेस्ट, सेंसोड है जो पेस्ट है हम वो यूज़ करते हैं, कोलगेट भी है, और ये ब्रश व्रश सब लगा अवेलेबल है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, ये भी देख सकते हैं कि बाकी जो है क्लीनिंग के लिए यहाँ पर हैंगर वंगर पड़ा हुआ है, कारपेट वेट ले सकते हैं यहाँ पर, बाल्टिंग भी यहाँ पे सफाई के लिए, ये पूरा जो काउंटर है ये जूस का है, ये सारा फ्रूट्स जूस है सर, सेक्शन सेक्शन बटा हुआ है पूरा, सेक्शन सिर्फ एक जूस का ही है, और ये सेक्शन आपका हुआ पानी वानी का, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये आपका कोल्ड ड्रिंक्स बियर वगैरह जो भी है हम पीता जो है, ये आपका पूरा ये अल्कोहल एरिया है, ये पूरा अल्कोहल एरिया बर्तन वर्तन का सामान वामान पड़ा हुआ है, मतलब कि
आपको चाहिए ये पैकिंग करने के लिए, डब्बा होगा, ये सब है यहाँ पे, चम्मच चम्मच हो गया, किचन का वैरायटीज़ यहाँ पर जो भी किचन में अवेलेबल होता है, रोटी बनाने के लिए आपको बेलन, ये आपको प्लेट व्लेट हो गया यहाँ पे, प्लेट सेक्शन, ये सॉक्स, ये पैन वन आपको खरीदना ज़रूरत पड़े तो खरीद सकते हैं आप, पैन हो गया छोटा बड़ा सा अवेलेबल है यहाँ पर। ये कैंडीज यहाँ पे आप किलो पे ले सकते हैं, कैंडीज बहुत सारे वैरायटीज है, कैंडीज है यहाँ पर, छोटी स्नीकर, छोटा स्नीकर, ये मतलब किलो मिलता है आपको, किलो पे ले सकते हैं। काउंटर पे आप बिलिंग करके आप बाहर जा सकते हैं, सेल्फ बिलिंग वाला, सेल्फ बिलिंग भी है, कार्ड है आपके पास, अगर बस कार्ड उड़ाए तो आप इससे बिलिंग भी कर सकते हैं बाहर, बाहर के लिए जहाँ से हम 10 की दानियाँ होते रहे मार्केट से। शॉपिंग हो गया हम लोगों का, जो भी ग्रोसरीज लेना था आज ले लिया हम लोग, खत्म, छः दिन का टाइम, छः दिन का पूरा काम खत्म, वन वीक। असल में वीडियो थोड़ा सा बनाना टफ था क्योंकि आज शाम का टाइम है, पूरा पूरा फुल था, हाउसफुल चलता है शाम, ऊपर से वीकडे भी है ना, मंडे ट्यूजडे है तो इसलिए प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा, बाकी लेकिन एक मज़ा आया। आप लोग भी यार आए, अगर आप न्यू हैं यहाँ पे तो आप लोगों के लिए बिल्कुल जैसे कह लें कि एजुकेशनल, या आप लोगों को गाइड करने के लिए वीडियो थी, और इंशाल्लाह आगे भी आपको गाइडेंस करते रहेंगे यहाँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या कितना सामान है आपको, बाकी जो है मैं वीडियो बना कर डालूंगा आपको जी, बिल्कुल। चलें ठीक है सर, मेरी तरफ से तो बाय बाय, ठीक है भाई, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।